तो 500 के ऊपर किसान मरा है, जिनमें से एक के प्रति भी आज तक नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की है। लेकिन किसानों ने आज तक कोई हिंसा नहीं की है। कल जो घटना हुई है, पहले उनके पिता जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े शर्म की बात है, वो किसानों को धमकी दे चुके थे कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे तुम्हें। तो ये उनकी धमकी का प्रभाव था कि एक ऐसा माहौल उन्होंने बनाया जिसमें कि उनके कार्यकर्ता किसानों से बदला लेने की नीयत से वहाँ पे आए और उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी किसानों के ऊपर। इतनी क्रूरता बर्बरता तो शायद ही कभी स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखी गई हो। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के शहीद पार्क में। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संदीप पांडे जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आज किसानों के साथ जिस तरीके की हादसा हुई है और जिस उस हादसे में जिन चार किसानों की जान गई है, उस उन सभी मामलों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तो सर, जो कुछ भी हुआ, पहले तो उस पर आपकी क्या राय है वो हमें बताइए। देखिए, अब ये बहुत साफ हो गया है कि ये किसान सरकार, किसान विरोधी सरकार। 10 महीने हो गए हैं किसान दिल्ली को घेर के बैठा हुआ है और 26 जनवरी के बाद से सरकार उनसे बात नहीं कर रही। ये सरकार तालिबान से जाके बात कर चुकी है दोहा में, और कश्मीर के नेताओं को, जिनको इन्होंने पता नहीं क्या क्या कह के नज़रबंद रखा लंबे समय तक, फारूक अब्दुल्ला को पार्लियामेंट नहीं अटेंड करने दिया गया जिस दिन कश्मीर पे फैसला हुआ, उनसे भी आपने बात कर ली, लेकिन आप अपने किसानों से बात नहीं कर रहे, ये कौन सी मानसिकता है? और जिस तरह से कल अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ियां किसानों पे चढ़ाई गईं, जिसमें 3 किसान कुचल के मरे, 1 किसान गोली चलने से मरा, और फिर प्रति हिंसा में 2 भाजपा कार्यकर्ता, आशीष मिश्रा का ड्राइवर और एक पत्रकार रमन कश्यप भी मरा, ये मौतें क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। सरकार किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है? स्थिति को विस्फोटक क्यों बनने दे रही है? अगर सरकार ये इतनी नकारा है कि वो उसे नहीं मालूम कि इस समस्या का हल कैसे करना है, तो इस सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी मांग है कि अगर आप किसानों की समस्या का हल नहीं कर सकते तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, क्योंकि उनके राज्य में ये घटना हुई है जिसमें ये बर्बरता हुई है, और जो भी दोषी लोग हैं उसमें सबके खिलाफ कार्रवाई हो। और आने वाले चुनाव में किसान ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो किसी भी तरीके से जीतने नहीं देगा। सर, अलग अलग राज्यों में लगातार किसान भी महापंचायतें कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अक्सर इस तरीके की हिंसा हमने करनाल में भी देखा और अब यहाँ जो कुछ भी हुआ, जितनी पुलिस व्यवस्था लगती है, जितना प्रशासन लगता है, जितना पावर यहाँ प्रयोग किया जाता है, जितना अभी विपक्षी दल के नेताओं को रोकने के लिए पावर यूज़ किया जा रहा है, ये सब बचाकर क्या सरकार सीधे सीधे किसानों से वार्ता नहीं कर सकती? सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है बहुमत में होने के बाद भी। जी नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये आंदोलन इस बात के लिए जाना जा रहा है कि इतना लंबा, शांतिपूर्ण और बड़ा आंदोलन शायद दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ किसानों का। आज तक किसानों की तरफ से एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। देखिए, 26 जनवरी को भी हर बार इल्ज़ाम उन्हीं पे थोप दिया जाता है। वही मैं बताना चाह रहा था, 26 जनवरी को बताया गया कि पता नहीं क्या हो गया, देश की बड़ी बदनामी हो गई। क्या हुआ? एक आदमी मरा, वो भी किसान, पुलिस वाला कोई नहीं मरा या कोई सरकारी आदमी नहीं मरा। कुछ संपत्ति की क्षति हुई लाल किले पे। एक निशान साहब का झंडा लगाया गया जिसको कहा गया कि ये खालिस्तान का झंडा है, जबकि वो झंडा हर एक गुरुद्वारे पे आपको मिल जाएगा। तो और एक उस मार्च को छोड़ के जो लाल किले पे आया था, बाकी सारे मार्च शांतिपूर्ण रहे। तो ये किसान आंदोलन की छवि को ख़राब करने के लिए ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि पता नहीं क्या ऐसी घटना हो गई, लेकिन किसान की तरफ से उस दिन भी हिंसा नहीं हुई। और पूरे आंदोलन को देख लें तो 500 के ऊपर किसान मरा है, जिनमें से एक के प्रति भी आज तक नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की है। लेकिन किसानों ने आज तक कोई हिंसा नहीं की है। कल जो घटना हुई है उसमें आशीष मिश्रा की गाड़ियां जहां पे कार्यक्रम हो रहा था वहां से आते हैं, और जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे हेलीपैड पे, वो केशव प्रसाद मौर्य को वहां उतरने नहीं देना चाहते थे, वो उसमें सफल हो गए थे। बाद में केशव प्रसाद मौर्य गाड़ी से दूसरे रास्ते से आए, किसान वापस लौट रहा था,
वहाँ पे आशीष मिश्रा को जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती उनको उकसाने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते पहले उनके पिता जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े शर्म की बात है, वो किसानों को धमकी दे चुके थे कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे तुम्हें। तो ये उनकी धमकी का प्रभाव था कि एक ऐसा माहौल उन्होंने बनाया जिसमें कि उनके कार्यकर्ता किसानों से बदला लेने की नीयत से वहाँ पर आए और उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी किसानों के ऊपर। इतनी क्रूरता बर्बरता तो शायद ही कभी स्वतंत्र भारत के इतिहास में देखी गई हो। और उसके बाद जो किसान मरे, तो जाहिर है कि अगर आप हिंसा करेंगे और इस तरह की क्रूर हिंसा करेंगे तो लोग अपने को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे ही। और प्रति हिंसा में भी 4 मौतें हुए। हम उन सब के प्रति और उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। ये मौतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर कहूँगा इसके लिए ज़िम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, क्योंकि ये चाहती तो इस समस्या का निपटारा हो सकता था। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती तो ये हिंसा नहीं होती, क्योंकि पुलिस आशीष मिश्रा को वहाँ जाने से रोक सकती थी, क्योंकि जितने आंदोलनकारी थे वो सब पुलिस के घेरे में थे। तो आखिर वहाँ आशीष मिश्रा की गाड़ी पहुँचने कैसे दी गई? अजय मिश्रा के जिस बयान का आपने जिक्र किया कि 2 मिनट में सब सुधार देंगे, सब सिखा देंगे, ऐसा ही एक बयान खट्टर साहब ने भी दिया था। उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही कहा था कि जैसे को तैसा, अगर आपको नेता बनना है तो आप ऐसे बन सकते हैं, जल्दी बन जाएंगे, जेल जाइए और नेता बन जाएंगे। तो इस तरीके के, जब मुख्यमंत्री का चेहरा, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर इस तरीके की बातें करता है, एक मंत्री गृह राज्य मंत्री होकर जब इस तरीके की बातें करता है, तो उसका असर शायद इस तरीके का सामने आता है जो अभी आया है। सर, एक सवाल ये भी है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब सामने आके कह रहे हैं आशीष मिश्रा, वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं जिन्होंने मेरे ड्राइवर को गाड़ी में से निकाला और उसके बाद उसे बर्बरता से मार दिया। अभी चुनाव आगे आने वाले समय में काफ़ी समय है, अभी ये जो दौरे हैं ये बढ़ेंगे, किसान भी जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो इनका विरोध करेंगे, अभी शुरुआत में हमें ये देखने को मिला है, आगे ये कितना रौद्र रूप ले सकता है? देखिए, पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी लगभग यही भाषा बोल रहा है कि 400-500 की टोलियां बनाओ, लाठी लेके किसानों पे हमला करो, एक तरीके से उकसा रहे हैं। उसके पहले उस राज्य में घटना हुई है जिसमें SDM ने भी लगभग इसी तरह की भाषा बोली कि सर तोड़ दो, और बाद में किसानों ने आंदोलन करके उसको बर्खास्त कराया। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाता है, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो कि RSS की विचारधारा से प्रेरित है, इसका पूरा आधार ही हिंसा है। ये हिंसा करके इन्होंने अपनी राजनीति को बढ़ाया है। और सबसे पहली घटना जो है वो है महात्मा गांधी की हत्या। लोग भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या तो आज़ादी के बाद हुई, लेकिन ये अपने आप को जो राष्ट्रवादी कहते हैं, आप कल्पना कीजिए, आज़ादी के पहले भी महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास कर चुके हैं। यानी कि आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, और आप आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता को आप जान से मारना चाहते हैं, तो आप देश के साथ हैं कि आप अंग्रेज़ों के साथ हैं? और ये लोग आज अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं। तो इनकी पूरी राजनीति की शुरुआत हिंसा से हुई है, चाहे वो गांधी की हत्या हो, उसके बाद बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो, उस दिन अयोध्या के अंदर 16-17 मुसलमानों की जान गई है जिसमें आज तक FIR नहीं हुई है, फिर उसके बाद गुजरात की घटना है, और तमाम इस तरह की, और अब मोदी सरकार आने के बाद मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को, दलितों को, उनको पीट पीट के मार डालना, सरेआम जैसे ऊना में हुआ, उसके बाद बुद्धिजीवियों को सरेआम गोली मार देना। तो पूरी राजनीति हिंसा के आधार पर इन्होंने आगे बढ़ाई है, इसलिए इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं दिखता कि जिस तरह से ये किसानों से निपटना चाहते हैं वो इनकी सोच वही है। सर, आखिरी सवाल, ये जब लखनऊ घेरने की बात किसान कर रहे थे तो एक पोस्टर जारी किया गया था BJP कार्यालय की ओर से, BJP UP कार्यालय की ओर से, उन्होंने कहा था ये योगी का गढ़ है, बक्कल तार दिया करें, ये तरीका है उनका किसानों से निपटने का? जी नहीं, बात सही है, योगी को इस बात का अहंकार है कि वो ताकत के बल पे अपना कोई भी विरोध कुचल देंगे, लेकिन लोकतंत्र में देखिए जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर उनको ये गुरूर है तो ये उनका गुरूर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। सीतापुर में 15-20 हज़ार की रैली हो चुकी है राकेश टिकैत की, और राकेश टिकैत ने उस दिन घोषणा की, क्योंकि राकेश टिकैत को चुनौती दी गई है कि वो लखनऊ नहीं आ सकते, तो उन्होंने उस दिन घोषणा की है कि मैं अब 90 किलोमीटर आ गया हूँ,
लखनऊ से, और अब मैं जल्दी ही लखनऊ आने वाला हूँ। तो आने वाले विधानसभा चुनाव तक जिस तरह से दिल्ली को घेरा है किसानों ने, लखनऊ को भी किसान घेरेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि ये सरकार दोबारा ना आए। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।